आरपीएससी की भूमिका पूरे संदेह के घेरे में, वहां पेपर लीक होता है, योजनाबद्ध तरीके से होता है, शिकायत भी बार बार हुई है, मीडिया ने भी बार बार छापा है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा आरोप है कि आरपीएससी एक भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है। पेपर लीक जो अभी हुआ है ये आरपीएससी से हुआ है, और अगर मेरी मांग है सरकार से कि सुरेश ढाका को पकड़ेंगे तो आरपीएससी भी पकड़ी जाएगी, और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की एजेंसी चाहे एसओजी हो, जब मैंने आपको बता दिया कि एसओजी के लोग भी इसमें पेपर लीक करवाने में शामिल है, कुछ बड़े लोग भी शामिल है, और कुछ सत्ताधारी दल के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, कुछ बेरोजगार छात्र संघ यूनियन के लोग भी इसमें निकलेंगे, तो इसकी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई की जांच कराया जाए। राज्य की एजेंसी फिर वही होगा जैसे रीट में हुआ था। मैंने आपको कहा था कि शिक्षा संकुल डीपी जारोली तक मैंने रीट का मामला आपको वहां तक बताया था। सरकार ने आनंद फानंद में डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त के बाद डीपी जारोली ने राजनेताओं पर का होना हाथ होना बताया था। मैंने आपको राजीव गांधी स्टडी सेंटर का इन्वॉल्वमेंट भी बताया था, और आखिर में छोटे लोगों को, मछलियों को तो पकड़ लिया सरकार ने, लेकिन डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ सुरेश ढाका को भी सरकार क्लीन चिट दे सकती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अब ज्यादा राजस्थान की जनता, राजस्थान के बेरोजगार बार बार के इस पेपर लीक को, जो अब तक 16 बार हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सकते। कानून की स्थिति भी बिगड़ सकती है। मैं मुख्यमंत्री गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से कराए, सब इंस्पेक्टर की कराए, और जो आरएस के मैंने बताए उनकी भी कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को न्याय मिल सके। हम तो कह ही सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करके सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, पर इसलिए नहीं कराई। पहले जो रीट का पेपर लीक हुआ था तो मैंने आपको कहा था उसमें 5-3 तो मंत्री और 5 MLA शामिल है, मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन अगर सीबीआई जांच कराए तो 5 तो MLA निकलेंगे उसमें और 3 मंत्री निकलेंगे उसमें। 2 मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल नजदीक है, सरकार की बदनामी होगी, इसलिए सीबीआई जांच रीट वाली नहीं थी मुख्यमंत्री जी ने। इसमें भी मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि सरकार के कुछ लोग हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत गांधीवादी कहते हैं, साफ सुथरा कहते हैं, ईमानदार मानते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा आपकी ईमानदारी पर दाग नहीं लगे, इसलिए इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का भी सीबीआई से जाँच कराए। बाकी की परीक्षा जो मैंने बताई है उनकी भी अगर सीबीआई से जांच हो जाए तो बच्चों के साथ न्याय हो सकता है।